फ्रेंड्स आई लव यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू रिवियर स्टडी। फ्रेंड्स आज आप सभी को हम पढ़ाने चल रहे हैं यूज ऑफ हैज हैव हैज बीन सॉरी हैज बीन और हैव बीन अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पर इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज टू और हैव टू का प्रयोग बता दें। देख लीजिए यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। फ्रेंड्स हैज टू हैव टू का प्रयोग क्या, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए पढ़ती अर्थात जहाँ पर किसी कार्य के लिए बाध्यता प्रकट होती है, हमें बाध्य किया जाता है, वहाँ पर हैज टू हैव टू का प्रयोग किया जाता है। यह है सिंगुलर सब्जेक्ट के, यह है प्लूरल सब्जेक्ट और यह है फेमिनाइन जेंडर। तो देखिए सबसे पहले इसका नियम लिख देते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैज टू हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज टू हैव टू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं, तो फिर हम चलते हैं अगले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। राहुल को कक्षा में, राहुल को कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़नी पड़ती है। राहुल को कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़नी पड़ती है। फ्रेंड्स यहाँ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बाध्यता प्रकट हो रही है, पुस्तक पढ़ने की बाध्यता प्रकट हो रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल सिंगुलर है, यहाँ हैज लगाएंगे, बाध्यता होने के कारण टू, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़नी पड़ती है रेड, क्या पढ़नी पड़ती है वो हिज बुक। फिर क्या बचा है आपका एडवर्ब इन द क्लास, इन द क्लास प्लेस ऑफ एडवर्ब है। कह रहा राहुल को कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़नी पड़ती है, राहुल हैज टू रीड हिज बुक इन द क्लास। सीमा को घर पर भोजन पकाना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा सीमा, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज टू पकाना को क्या पकाना पड़ता है फूड, कहाँ पकाना पड़ता है घर पर एट होम प्लेस ऑफ एडवर्ब
घर जाना पड़ता है। उन्हें दे हैव टू फ्रेंड्स करा दे हैव टू गो टू उन्हें घर जाना पड़ता है। परीक्षाओं में क्वेश्चंस इस पर कैसे पूछे जाते हैं तो आइए देख लेते हैं। दे हैव टू आ लेटर डेली। फ्रेंड्स जहां पे हैज या हैव टू के बाद मेन वर्ब पूछे वहां पे हम हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात हैज टू हैव टू बाध्यता प्रकट करता है हमेशा। कर दे हमारे सामने क्या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव टू आया, हैव टू के बाद मेन वर्ब पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग, सेकेंड ऑप्शन हमारे सामने है राइट, थर्ड ऑप्शन क्या है राइट्स, फोर्थ और लास्ट ऑप्शन क्या है रिटेन। बाध्यता प्रकट होती है टू से तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में है जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। तो ये क्या है? सही है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट, है ना। दे हैव टू राइट अ लेटर डेली, उन्हें प्रतिदिन एक पत्र या पत्र लिखना पड़ता है, लिखने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स अब तक आप सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने चल रहे हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? कह रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हमारा कार्य ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू होकर, भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान तक जारी हो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो भूतकाल से प्रारंभ होकर और वर्तमान तक जारी हो, जैसे वह सोमवार से घर जा रहा है, भूतकाल से शुरू हो रहा है तो समय तो सुनिश्चित है, समय तो अवश्य आएगा, है ना। वह दो महीने से घर जा रहा है, अर्थात दो महीने पहले स्टार्ट किया चलना और आज भी हमारे सामने क्या है, वह घर जा रहा है जो कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, और बीच में समय दिया रहेगा, बीच में समय दिया रहेगा, बीच में समय तो अवश्य दिया रहेगा, तभी तो भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान तक चल रहा है ना। इसका अब देख लेते हैं नियम क्या है, ट्रांसलेशन का नियम क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य, तो सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में आपको हमेशा बताया गया, तीनों प्रीवियस तीनों टेंस में पढ़ाते समय ये बताया गया है, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर हमारा सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस वाक्य को अनुवाद करने का नियम क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर
यदि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट बीच में, या नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या होगा, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कार्य हमारे सामने जारी होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वाक्य में प्लेस है, प्लेस दिया है तो प्लेस लिखते हैं, फिर उसके बाद टाइम दिया होता है, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम है ना। कह रहा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, फॉर या सिंस ऑब्जेक्ट है ना। तो आइए देख लेते हैं, सिंस और फॉर किसके साथ प्रयोग करते हैं, सबसे पहले लिख लीजिए सिंस और फॉर किसके साथ प्रयोग होते हैं, वो कौन कौन से समय है, कौन निश्चित समय है, कौन अनिश्चित समय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के लिए फॉर है ना, अनिश्चित समय के लिए फॉर। और वो अनिश्चित समय कौन कौन से हैं, कौन कौन से समय अनिश्चित समय में आते हैं, तो देखिए सबसे पहले छोटी इकाई लेंगे सेकेंड, सेकेंड से, फिर सेकेंड से बड़ी इकाई क्या होती है, मिनट, मिनट से, फिर मिनट से बड़ी इकाई घंटा, घंटे से, फिर घंटे से बड़ी दिन, दिन से बड़ी सप्ताह, फिर सप्ताह से बड़ी मंथ अर्थात महीने से, महीने से बड़ी इकाई वर्ष, वर्ष के बाद दशक, शताब्दी, से इत्यादि, ये हमारे अनिश्चित समय। जैसे दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, पांच सेकंड, उसी प्रकार ऐसे महीने में आएगा, सप्ताह में आएगा, दिन में आएगा, अर्थात इसको ट्रिक भाषा में हम क्या कह सकते हैं, प्लूरल, प्लूरल समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, प्लूरल समय के लिए हम क्या कर प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग। जैसे दो सेकंड से, तीन सेकंड से, क्या है प्लूरल समय है ना, दो सेकंड, दो सेकंड है, तीन सेकंड या पांच घंटे है, पांच घंटा क्या है, सिंगुलर तो नहीं है ना, प्लूरल है, अर्थात प्लूरल समय के लिए हम क्या करते हैं, फार का प्रयोग, या ऐसा समय चाहिए अनिश्चित समय के लिए फार, या ट्रिक भाषा में प्लूरल समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आप लोग नोट कर सकते हैं, सेकंड से, मिनट से, घंटे से, दिन से, सप्ताह से, महीने से, वर्ष से, दशक से, शताब्दी से, आप देखते हैं हम निश्चित समय के लिए प्रयोग क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम,
अर्थात निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस। और वह निश्चित समय क्या है? निश्चित समय कौन कौन से हैं तो लिख लीजिए। कल से, आज से, रात से, दिन से, दोपहर से, दोपहर से, सोमवार, मंगलवार, इसी प्रकार कोई भी दिन दिया हो इत्यादि इत्यादि सब, ठीक है ना। इसी प्रकार मंथ में होगा जनवरी, फरवरी, कोई भी महीने का नाम दिया हो इत्यादि से, जन्म से, मृत्यु से, या किसी त्योहार का नाम दिया हो दीपावली से, दीपावली से, नाग पंचमी से, या होली से, दो हजार दस, दो हजार ग्यारह, 1999, 1804, कोई भी ईयर का नाम दिया इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या है? निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम सेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। कल से, आज से, रात से, दिन से, दोपहर से, सोमवार या मंगलवार, कोई भी दिन का नाम दिया हो, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जो भी कुछ भी दिया हो, जन्म से, मृत्यु से, दीपावली से, नागपंचमी, तो किसी भी त्योहार का नाम दिया हो, है ना। इसी प्रकार ईयर दिया हो तो ये किसमें आते हैं? निश्चित समय अर्थात सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार थोड़ा और देख लेते हैं। यदि लास्ट या पास्ट के बाद, यदि लास्ट या पास्ट दोनों का अर्थ होता पिछला या पिछले या पिछले, लास्ट या पास्ट के बाद वीक, मंथ, ईयर, वीक, मंथ, ईयर का प्रयोग हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। यदि लास्ट या पास्ट के बाद वीक, मंथ, ईयर का प्रयोग, इन तीनों शब्दों में से एक भी, इन तीनों समयों में से एक भी समय दिया हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट या पास्ट के बाद हमारा समय क्या होता? निश्चित, अर्थात जस्ट जो अभी समाप्त हुआ है उसी से यह व्यक्ति कार्य कर रहा है ना। इसलिए हमारा कार्य समय क्या हो जाता है? समय हमारा निश्चित हो जाता है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि यदि लास्ट पास्ट के बाद समय दिया, समय अर्थात संख्या, समय या संख्या दिया, संख्या जैसे दो, तीन, चार, है ना, दो, दो सप्ताह, दो महीना, दो वर्ष, तीन सप्ताह, तीन महीना, तीन वर्ष, कोई भी दिया हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे? फार। तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, जो कि अयोग इसी पे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। लास्ट या पास्ट के बाद वीक, मंथ, ईयर का प्रयोग, सिंस
लास्ट या पास्ट के बाद कोई भी संख्या हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, वे बच्चे कक्षा में, वे बच्चे कक्षा में दो घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। वे बच्चे अपनी कक्षा में दो घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को बताया गया था घंटा क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। और ट्रिक भाषा में बताया गया था प्लूरल समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। तो हमारे सामने क्या प्लूरल समय है, प्लूरल टाइम है ना, दो घंटा दो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे फार का प्रयोग करते हैं। फिलहाल देखिए नियम क्या कहता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने है ना। सब्जेक्ट क्या, बच्चे, अर्थात इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो दोज चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट का साथ हैव बीन मेन वर्ब की चौथी अवस्था अर्थात आईएनजी लगा होना चाहिए। रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, अपनी पुस्तक अर्थात दियर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। और आपको बताया गया था नियम में कि ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, फार या सेंस प्लस टाइम, परंतु उसके पहले यदि वाक्य में प्लेस ऑफ एडवर्ब दिया हो तो प्लेस ऑफ एडवर्ब के बाद लिखते हैं फार या सेंस, है ना। क्योंकि मैनर प्लेस टाइम एडवर्ब लिखने का तरीका होता है, यदि वाक्य में तीनों एडवर्ब आए हो, मैनर एडवर्ब, टाइम एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब, तो हम पीटी के क्रम में रखते हैं। तो हम पहले प्लेस ऑफ एडवर्ब लिखेंगे, इन द क्लास। अब क्या है हमारे सामने अनिश्चित समय है, तो फार दो घंटे से, टू के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आवर्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो इसी प्रकार हम एक वाक्य सिंगुलर देखते हैं। वह रसोई में, वह रसोई में सोमवार से भोजन पका रही है। जो कि सोमवार बीता हुआ समय है, बीते हुए समय अर्थात भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान में चल रहा है कार्य। वह सी हैज बीन मेन वर्ब क्या है हमारा, पकाना, कुकिंग, क्या पकाया जा रहा है, फूड, है ना। प्लेस ऑफ एडवर्ब दिया है तो पहले इन द किचन, इन द किचन रसोई घर में, कब से, सोमवार से, निश्चित समय। तो सिंस मंडे, वाक्य देख लेते हैं लास्ट और पास्ट से संबंधित। तुम पिछले महीने से
महीने से अपना कार्य पूरा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, कह रहा है तुम पिछले महीने से अपना कार्य पूरा कर रहे हो। आपको बताया गया था अभी नियम में लास्ट या पास्ट के बाद वीक मंथ ईयर शब्द लगा हो तो हमारे सामने क्या होता है समय, वह निश्चित समय होता है, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन, हैव बीन मेन वर्ब क्या पूरा करना, कंप्लीटिंग है ना। अब कंप्लीट में कुछ फ्रेंड सोच रहे होंगे यहाँ ई क्यों मर गया, तो जहां पे हम आई एन जी जोड़ते हैं उसके पहले ई वावेल होता है तो उसको हटा के जोड़ा जाता है। कंप्लीटिंग पूरा कर रहे हैं, क्या पूरा कर रहे हैं अपना कार्य, योर वर्क अपना कार्य। अब हमारे पास क्या है यहाँ प्लेस वर्ब है ना, तो पिछले महीने से लास्ट या पास्ट लिखते हैं, लास्ट सॉरी सिंस का प्रयोग पहले, ठीक है ना, सिंस लास्ट मंथ पिछले महीने से अर्थात जस्ट अभी जो पिछले महीना बीता हुआ है उसी से यह व्यक्ति कार्य कर रहा है अपना, है ना। एक वाक्य और देखते हैं, हम तुम्हें पिछले दो वर्ष से यह पुस्तक पढ़ा रहे हैं, यह पुस्तक पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें पिछले दो महीने से यह पुस्तक पढ़ा रहे हैं। वी सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो have been। अब क्या है हमारे सामने मेन वर्ब पढ़ाना टीचिंग, पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं या पुस्तक, दिस बुक, दिस क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फिर नाउन बुक, कब से पढ़ाया जा रहा है पिछले दो में सॉरी इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं तुम्हें और यह पुस्तक, तुम्हें क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह पुस्तक क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में जब वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो यहां हो जाएगा यू दिस बुक। अब हमारे सामने क्या है समय, दो वर्ष से पिछले दो वर्ष से, तो अभी नियम में आप लोगों को बताया गया था जब लास्ट या पास्ट के बाद कोई संख्या आती है, लास्ट या पास्ट के बाद कोई संख्या हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे हर का प्रयोग, अर्थात वह समय अनिश्चित हो जाता है। पिछले समय से पिछले दो वर्ष से कार्य कर रहा है परंतु मालूम नहीं किस वर्ष प्रारंभ किया कार्य और कब तक कर रहा है, अभी जारी है ना। तो देखिए लास्ट या पास्ट लिखते हैं, लास्ट टू ईयर्स या फार लिख दीजिए, फार है ना, फार लास्ट टू ईयर्स पिछले दो महीने दो वर्ष से, पिछले दो वर्ष से वी हैव बीन टीचिंग यू दिस बुक फॉर लास्ट टू ईयर्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस वाक्य को समाप्त करते हैं, परंतु उससे पहले इंग्लिश में एक दो वाक्य देख लेते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे आयोग पूछता है वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य क्या कहता है, दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे
आर गोइंग टू दिल्ली, फार टू ईयर्स, है ना, कह रहा फार टू ईयर्स, दो वर्ष क्या अनिश्चित समय है ना। देखिए क्या कह रहा, वे दो वर्ष से दिल्ली जा रहे हैं, है ना। तो हमारे सामने देखिए पहले वाक्य को समझिए, दे मतलब वे आर गोइंग टू दिल्ली फॉर टू इयर्स, समय लगा हुआ है, जहां पर जिस वाक्य में सिंस या फार का प्रयोग होता है वह सिंस या फार किस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही तीन टेंस है, 12 टेंस में यही तीन टेंस है जिसमें फार या सिंस का प्रयोग होता है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर, और यह हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो कहां पे त्रुटि है, यहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, दे के अनुसार है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आयोग क्वेश्चन बनाता है, यहां सिंस या फार लगा हो तो यहां भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, हैज बीन या हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन अवश्य होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, मोहन हैज बीन रीडिंग हिज बुक, मोहन हैज बीन रीडिंग हिज बुक, मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, have